पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा स्थापना दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया है। सप्ताह के अवसर पर पुलिस मुख्यालय मैदान क्षेत्र में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन हिंगनघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समीर कुनावर और वर्धा के विधायक पंकज भोयर, पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने किया। इनमें साइबर सुरक्षा, परिवहन प्रभाग, हथियार और गोला बारूद, पुलिस वाहन, डॉग स्क्वाड, रैपिड रिस्पॉन्स स्क्वाड, दंगा नियंत्रण दस्ता, नारकोटिक जागरूकता, दामिनी स्क्वाड, होमगार्ड, पुलिस काका और पुलिस दीदी, छात्र पुलिस कैडेट, फॉरेंसिक टूल किट सिविल शामिल है। रक्षा बैंड दस्ता दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ कुल 16 स्टॉल लगाए गए थे। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी को भेंट दी। इस मौके पर उन्हें हथियार के बारे में जानकारी दी गई और उनका प्रदर्शन भी किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से छात्र छात्राओं को नागरिकों के बीच जागरूक करने में मदद मिलेगी। इसीलिए वर्धा के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने अधिक से अधिक नागरिकों से इस प्रदर्शनी को देखने की अपील की है। सुबह 11 बजे स्कूली विद्यार्थियों के लिए, 7वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए साइबर क्राइम एंड ट्रैफिक ब्रांच विषय पर परीक्षा आयोजित की गई। कल दिनांक 5 जनवरी 2024 को खेल परिसर क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन का भी आयोजन किया गया है। BCN न्यूज के लिए वर्धा से रवि एनोरकर।